की वन बेल्ट वन रोड OBR पहल की जवाब में शरान रूस भारत के सहयोग वाले बहुपक्षीय परिवहन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर INSTC का महत्व काफी बढ़ गया है। ये हाईवे हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के जरिए कैस्पियन सागर से जोड़ेगा और फिर रूस से होते हुए उत्तरी यूरोप तक पहुंच बनाएगा, विदेश मामलों के विशेषज्ञ एसतो डंग के मुताबिक। चीन एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि INSTC के अमल में आने पर माल ढुलाई के समय और लागत में 30% से 40% की कमी आएगी। इस परियोजना में ईरान के चाबहार बंदरगाह की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसका विकास भारत के सहयोग से होने जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि हमें चाबहार बंदरगाह का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहिए, जो हमारे लिए संपूर्ण मध्य एशिया के द्वार खोल देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साल 2015 में उफा में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान कहा था कि जब हम आगे देखते हैं तब हम अपने क्षेत्र में परिवहन और संचार नेटवर्क को बेहतर बनाने को चीन की ओर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होते हुए वन बेल्ट वन रोड परियोजना पर पहल तेज होने के बीच इस कॉरिडोर को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर की परिकल्पना को सितंबर 2000 में आगे बढ़ाया गया था, जब सेंट पीटर्सबर्ग में इसको लेकर कुछ देशों के बीच सहमति बनी। साल 2005 से 2012 तक इस परियोजना के विकास को लेकर रफ्तार काफी मंद रही थी। इस बारे में 2013 में पहला ड्राई रन संचालित किया गया। इस वर्ष अप्रैल में इस परियोजना को आगे बढ़ाने की पहल की गई है। विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 18 मई 2017 को भारत से रूस तक INSTCA एक्सप्रेस कॉरिडोर के विषय पर विभिन्न पक्षों की सहभागिता वाले सम्मेलन में इसके संभावित मार्गों, इसे लोकप्रिय बनाने के उपायों, चाबहार बंदरगाह के अधिकतम उपयोग और इस बहुपक्षीय गलियारे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत और रूस के राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में INSTCA प्रोजेक्ट को काफी महत्व दिया जा रहा है। मोदी कुछ ही समय बाद रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं।